बहुत भूख लगी है। जब तक आप कैमरे सेट करो मैं फटाफट। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ असद और मैं बड़े मज़े से इंजॉय कर रहा था जनाब आज की रेसिपी जो आपको सिखानी है, और इन्होंने बताया भी नहीं और क्यों कह दिया। तो बहरहाल जी, आज बहुत मज़ेदार सी आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, और आज की रेसिपी का जो नाम है वो है मटन मदफून। मदफून जो है ये बहुत ही, आप कह रहे हैं कि अरब कंट्रीज़ में बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बहुत ही फेमस है और बहुत आसान है। इसको फॉइल पेपर में बनाया जाता है, और अगर इसको हम ओवन में बनाते हैं, तंदूर में बनाते हैं, और हम उसके अलावा इसको हम क्या कर सकते हैं, पैन में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, क्या कुछ होगा, वो हम आपको बताएंगे। मेरे पास थोड़ा सा मदफून रह गया है, मैं इसको एंजॉय कर लूँ, और आप छट पर ज़रा देख लीजिए कि आज की रेसिपी में क्या कुछ चाहिए, उसके बाद आपको बता। इंग्रेडिएंट्स आपने देखे, और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मटन मदफून जो हम आपके लिए आज बना रहे हैं। और अच्छा, यहाँ पर इसके लिए जो मेन चीज़ है वो है ये फॉइल पेपर। हर जगह हर घर में मौजूद है, और जहाँ जिन घरों में बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ तो लाजमी फॉइल पेपर मिल जाता है, और इसको हम बनाएंगे ओवन में। लेकिन अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप परेशान मत होइएगा, आप इसको पतीली में भी बना सकते। मटन मदफून के लिए हमने यहाँ पे मटन ले लिया है, और अच्छा मटन आप देखें कि इसको मैंने हड्डी के साथ लिया है, और इसमें ये आप कह लें कि थोड़ी सी बड़े पीसेस हैं, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए, ताकि हम एक एक पीस एक वन सर्विंग में सर्व करेंगे। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, पपीता है तो पपीता लगा लीजिए, या फिर मैंने इसको लगा दिया है मीट टेंडराइजर, ताकि इसको थोड़ा सा हम टेंडर कर सकें। और अगर पपीता है तो आप बिल्कुल इसमें पपीता लगा सकते हैं। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है अब हम ले लेंगे जनाब, यहाँ से सैलानी का हम यूज कर रहे हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये हम डालेंगे। उसके साथ ही हम यूज करेंगे इसमें जनाब गरम मसाला पाउडर। उसके बाद मैं यूज कर रहा हूं कुटा हुआ जीरा। साथ ही यूज करेंगे नमक। उसके बाद फ्रेश हम क्रश कर देंगे काली मिर्च। फ्रेश करेंगे तो उससे इसका टेस्ट, जायका काली मिर्च का बहुत परफेक्ट, बहुत जबरदस्त आता है, ठीक है। और नहीं है तो आप फिर पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप ताजा ताजा काली मिर्च को पीस के इसमें शामिल करें। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने इसमें डालना है जनाब सैलानी का हम यूज कर रहे हैं सिरका, और उसके साथ हम यूज करेंगे SAC का ऑलिव ऑयल, और इसको अब अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि गोश्त में अच्छे से मैरिनेशन आ जाए। आलू को हमने क्यूब्स में कट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट करेंगे, क्योंकि आलू, गाजर और मटर ये हम इसके साथ ही पकने रखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने ले लिया है फॉइल पेपर, और उसको फॉइल पेपर को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और अब मैं इसमें क्या करूंगा कि इसको हाफ में मजीद कट कर लूंगा, मेरे ख्याल में इतना रहेगा सही। तो हम क्या करेंगे, इसको मजीद हाफ कर लेंगे, और अब इसमें हम अपने गोश्त को डन करेंगे। अब हमने ले लिया है फॉइल पेपर, फॉइल पेपर में हम रखेंगे अपनी ये गोशी बूटी, राइट। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से मटर, ठीक है, इस तरह से। मटर के साथ ही हम डालेंगे इसमें आलू जो हमने काटे हैं, आलू के साथ ही हम डालेंगे इसमें गाजर। बकरा ईद के लिहाज से बहुत ही परफेक्ट
जबरदस्त रेसिपी है, मेहमानों को बड़ी अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अगेन थोड़ा सा हम नमक क्रश डाल देंगे और नमक के साथ इस पर हम डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च, दैट्स इट। और इसको अब हम करेंगे बंद। इस तरह से आपने इसको बंद कर देना है और इसके लिए हम इस तरह से ये पॉकेट तैयार करेंगे। ये इस तरह से ये हमारे पास पॉकेट तैयार हो गए। अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे पॉकेट तैयार कर लेंगे और जनाब सारी की सारी हमारी फॉइल जो है वो हमने रैप कर ली है, मटन मदफून जो हमारे पास रैप हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, आपने लेनी है एक पतीली, ठीक है। उस पतीली में आपने नीचे बेस में थोड़ा सा डालना है पानी, लाइक एक कप के करीब पानी डाल दीजिए और उसके ऊपर कोई भी छन्नी या कोई भी ऐसी चीज स्ट्रेनर रख दीजिए जिसके ऊपर आप इन फॉइल पेपर्स को रख सकें। बस उसके ऊपर आपने इस फॉइल पेपर को रखना है और इसको आपने हल्की आंच पे जो है पकने देना है और पानी चेक करते रहना है, पानी खत्म ना होना चाहिए पतीली में। और ये कम से कम भी पपीता आपने लगाया हुआ है, अच्छा, और पपीता लगा के इसको 2-3 घंटे रेस्ट दिया हुआ है तो ये तकरीबन 1 घंटा 1 घंटा 20 मिनट में तैयार हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे और अब हम इसको रखेंगे अवन में, ठीक है जी। अवन हमने ऑन कर लिया है और अवन में रख देंगे और डिश में हमने नीचे पानी डाल दिया और ताकि स्टीम में हमारे पास ये मटन मदफून जो है वो तैयार हो। और जनाब अब तकरीबन हमारे पास 30 मिनट्स हो चुके हैं और हमारे पास मटन मदफून जो है वो कहाँ तक पहुंचा उसको चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर जबरदस्त सा हमारे पास बेहतरीन जबरदस्त किस्म का गोश्त हमारे पास गल चुका है और अब इसको हम निकाल लेंगे। अच्छा, ध्यान से देखिएगा कि क्योंकि हमने इसमें ट्रे में पानी ऐड किया हुआ है तो वो पानी जो है वो आपके हाथ पे ना गिरे, ये देखिए। अच्छा, इसमें हमने पानी ऐड कर दिया था और क्योंकि हमने इसको स्टीम में तैयार करना है तो इसके लिए पानी डालना जरूरी है। अब हम क्या करते हैं, बहुत एहतियात के साथ थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, अब आप इसको सेटल करेंगे और इस तरह से ये देखिए स्टीम आप देख रहे हैं, ये देखिए मटन मदफून हमारे पास तैयार है और मुझे उम्मीद है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको बहुत मज़ेदार सा इसका जो लाइट फ्लेवर है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और स्पेशली जिन लोगों को स्टीम लाइक मटन या बीफ या चिकन पसंद होता है उनके लिए तो बहुत ही आइडियल ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए, हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।